को फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह की ईद वाली डीपी बनाना चाहते हैं तो इस परपज़ के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है सबसे पहले आपने करना यह है कि प्ले स्टोर से जो है पिक्सल ऐप के ओल्डर वन को डाउनलोड कर लेना है तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास इस तरह से होगा आपने यहाँ से थ्री डार्ट्स पर जाना है उसके बाद से ओपन पी एल पी फाइल पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है मोबाइल की स्टोरेज में रिडायरेक्ट कर देगा उसके बाद से आपने वो फोल्डर फाइंड करना है जहाँ पे आपके पास पी फाइल होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आपने वो डाउनलोड कर लेना है अगर वहाँ से आप ये यूज़ डाउनलोड ना कर पाएँ तो आपने करना ये कि मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे देखेंगे हमारे पास ये पी फाइल आ गई ये ब्लू कलर में होगी आप ओपन ओनली भी कर सकते हैं ओपन ऐड भी कर सकते हैं ऐड के साथ ये होगा कि आपके पास ये सेव हो जाएगा और बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ओपन ओनली पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास ये पिक्चर जनरेट होकर आ गई है तो ये जो है टेम्पलेट है और इसमें जो है फाइल्स हैं ऑलरेडी एड हैं जस्ट आपने रिप्लेस करना है सबसे पहले देखिए आप नेम जो है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं और नेक्स्ट करना ये है कि जब आप अब रियल पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो गैलरी से आपने इमेज को चूज़ कर लेना है देखिए फर्स्ट करें मैं ये पिक्चर जो है चूज़ करना चाहता हूँ इससे पहले आपने ये करना है कि रिमूव डॉट बीजी से आपने ऑनलाइन जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है पिक्सआर से पिक्सल आर से किसी से भी आप जो है बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हैं वन बाई वन रेशो रखना है और यहाँ से आपने जो है ओके okay पे क्लिक कर देना ओके okay पे क्लिक कर देने के बाद से आप इसको एडजस्ट करेंगे इसके साइज़ को जो है वो रिड्यूस कर लेंगे बाद में भी हम रिड्यूस कर सकते हैं तो नेक्स्ट जिस स्टेप होगा अगर लेस में जाएंगे लेयर्स में जाने के बाद से ड्रैग करके इस लेयर को आपने यहाँ पे ला के एडजस्ट कर देना है ये जो, जो पीछे वाली लेयर होगी वो आपने हाइड कर देनी है हाइड करेंगे उस साइड पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास जो पिक्चर जनरेट होगी ऊपर जो है नेम जो है वो आप खुद से चेंज कर लेंगे अगर किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अदरवाइज़ आप गैलरी में पिक्चर सेव करके भी किसी को सेंड कर सकते हैं तो यहाँ से आप क्वालिटी जो है इसकी हाई जो है वो रख सकते हैं